हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई अनूप सर में। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने नोटिफिकेशन भेजा है कि कुछ बदलाव किए हैं। उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी जानकारी देंगे। कुछ बदलाव किए भाई, भर्ती से संबंधित कांस्टेबल की जो भर्ती है उससे संबंधित सिलेबस भी चेंज किया है और कुछ और भी बदलाव किए हैं, तो उनकी जानकारी हमें नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए आज का अपना ये जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो 25 अनुसूचियाँ हमने करवाई थी उन पर 25 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। जो 12 अनुसूचियाँ हमने करवाई थी उन पर इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन होंगे ये, और इसमें पूरी अनुसूचियाँ कवर हो जाएंगी। तो आप लास्ट में बताना आपके कितने नंबर आते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 8। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। 26 नवंबर 1979 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से निशान लगाएं अपनी कॉपी में। तो देखो, पहली अनुसूची में क्या कहा गया है। तो पहली अनुसूची में कहा गया कि भारत है वो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। यानी भारत क्या है, वो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ एक देश है दोस्तों। तीसरा अगला क्या है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखो जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या दर्शाया गया है कि जितने भी उच्च पद अधिकारी हैं दोस्तों, उन सभी उच्च पद अधिकारियों को वेतन और भत्ते के बारे में दर्शाया गया है। ध्यान रखना दूसरी अनुसूची में। उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या दर्शाया गया है, संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या दर्शाया गया है दोस्तों। तो देखो, जितने भी उच्च पद अधिकारी हैं उनके शपथ और इस्तीफे की जानकारी तीसरी अनुसूची देती है दोस्तों। यदि आपने ये अनुसूची वाला टॉपिक नहीं देखा है तो इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो, पूरी डिटेल दे रखी है सभी अनुसूचियों की। उसके बाद संविधान की चौथी अनुसूची में क्या दर्शाया गया है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो, अनुसूची नंबर 4 में है कि राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा होता है वो किस अनुसूची के तहत हुआ है दोस्तों, चौथी अनुसूची के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इस पर एक आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो, इसका जो आंसर आएगा वो केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा, 7वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा है। जो बताया थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 7 अनुसूची में क्या है तो केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का वर्णन। यानी जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्तमान में वर्णन है तो उनके बारे में जानकारी दी है, वो 8वीं अनुसूची में जानकारी दी है। 8 नंबर क्वेश्चन है भाई, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। जीके में यदि टाइम खराब नहीं करना है दोस्तों, सबसे जल्दी आंसर आपका टाइम बचाए हुए जीके बचाइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो दल बदल विरोधी कानून। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से निशान लगा दें।
तो देखो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में जोड़ी गई थी दोस्तों। 1951 में पहले संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था दोस्तों, कि संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है भाई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसके आंसर बताएं। इसके आंसर है दोस्तों राजीव गांधी। राजीव गांधी की शासनकाल में 1985 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें क्या था, दल बदल विरोधी कानून दोस्तों। 11वीं अनुसूची जब संविधान बना था तो उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन था दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका आंसर आएगा 14 भाषाएं थी, यानी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का ही वर्णन था दोस्तों। ये बढ़ती बढ़ती अब कितनी हो गई है, तब हो गई है दोस्तों 22 भाषा। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा का वर्णन संविधान में नहीं है दोस्तों, यानी जो 22 भाषा है उनमें से कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का वर्णन अपने संविधान में नहीं है दोस्तों, 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है। ध्यान रखना नेपाली भी है, हिंदी भी है, बोडो भी, डोगरी भी, ऐसे करके 22 भाषा है, लेकिन अंग्रेजी का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है दोस्तों, ध्यान रखना इसके बारे में। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 5 विषय कब जोड़े गए थे, यानी जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूची थी, समवर्ती संघ सूची और राज्य सूची। इसमें 7वीं अनुसूची जो समवर्ती सूची है इसमें 5 विषय कब जोड़े गए थे दोस्तों। दोस्तों 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे ये जो 5 विषय, जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने जिस दिन बताया था कि 8 से लेकर 12 तक की सभी अनुसूचियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अभी जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम हो रही है दोस्तों उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ रही है, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखो भारत में पंचायती राज लागू हुआ था वो 1959 में, 1959 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनके आंसर बताएं दोस्तों जल्दी से। तो देखो दोस्तों इसका आंसर आएगा 73वां संविधान संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज लागू हुआ है दोस्तों। इसी तरह हम अब जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करवाया करेंगे दोस्तों, जो मैथ और रीजनिंग, उसमें मैथ और रीजनिंग भी रहेगी दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग के भी टेस्ट सीरीज जरूर लेके आया करेंगे। आप क्वेश्चन निकाल के देखना और उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे, ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे और जरूर सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है कि भाई जो पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था दोस्तों। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है भाई, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में है दोस्तों 29 विषय हैं। तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, संविधान की पहली अनुसूची में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, जीव जीव ऑप्शन है चारों, क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो देखो दोस्तों वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो याद रखना
28 राज्य हो गए हैं वर्तमान में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी बताया था मैंने कि दमन दीव व दादर नगर हवेली दोनों को एक कर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो भाई तेलंगाना, तेलंगाना अंतिम में राज्य बना है, 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब हट गया तो 28वां राज्य है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है भाई, किस संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखा जा चुका है दोस्तों ये, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जो संविधान संशोधन में भाषा है ये जोड़ी गई थी, जो अपनी 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषा हो गई थी दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 14 भाषा तो जब संविधान बना था उसके बाद जो 15वीं भाषा नई लागू हुई थी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंधी भाषा को कब 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ा गया था। 22वां क्वेश्चन है भाई, संविधान की 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से निशान लगा दे। देखो दोस्तों इसका आंसर आएगा, वो आएगा 1973 में ही 73वां संविधान संशोधन हुआ, तिरानवे 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ था, और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन है भाई, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने दे चुके हैं कई बार क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, क्योंकि देखो 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसके तहत पंचायती राज लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? कर्नाटक में। 24 नंबर क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ था? बड़े क्वेश्चन है, एसएससी देते हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 1994 में, अप्रैल 1994 में हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान संशोधन या भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आंसर बताएं। तो देखो इसका आंसर आएगा दोस्तों संसद। संसद के तहत ही संविधान संशोधन होता है दोस्तों। सबसे पहले कोई भी संशोधन है वो राज्यसभा, लोकसभा में पास होता है, लास्ट में फिर वो राष्ट्रपति द्वारा साइन कर दिया जाता है और वो पास हो जाता है। तो ये इसका, ये तीनों किस्में हैं दोस्तों संसद में। हमारा संसद एक टॉपिक भी चल रहा है, उसमें आपको पता भी लग गया होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो अपने चैनल पर ज़रूर देखना दोस्तों। तो ये थे 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपने नहीं देखें ये जितने भी क्लासेज है पॉलिटिकल साइंस की, तो वो आप सभी देख लेना दोस्तों। उसके बाद आपको बता देते हैं दोस्तों, जितने भी फिलहाल एग्जाम चल रहे थे CHSL के, JEE के, HSSC के, वो सभी एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। आपको नोटिस भी मिल गया होगा किसके लिए, तो कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस अपने भारत में भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज के टाइम इससे 5 मौत हो चुकी है और 206 केस आ चुके हैं दोस्तों पूरे भारत में। तो देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको अभी से यदि हमें इसको मजाक में ले रहे हैं, यदि मजाक में ये हम इसको वर्तमान में मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही दिन आने वाले 5-7 दिन में भारत में भी बड़ा नुकसान करने वाला है। तो बचाव में ही बचाव है, यदि आवश्यक न हो तो कहीं भी अपने घर से बाहर न जाए दोस्तों। हाँ, कुछ ज़रूरी काम के लिए ही जाए, वह आवश्यक कोई भी
सार्वजनिक स्थान पर न जाएं दोस्तों तब तक बिना काम के। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपका एक रिवाइज ये